सुल्तानपुर में बेहतरीन प्रॉपर्टी खरीदने का शानदार मौका। महल रिजॉर्ट और महिंद्रा शोरूम के बीच अली अहमद नगर अमहट में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज बनाने आई कंपनी डीवी प्रोजेक्ट के कार्यालय में भाजपा युवा मोर्चा के नेता राजेंद्र सिंह पाल और पुनीत शुक्ला घुस गए और उनके साथ जमकर विवाद किया। अमेठी में जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के सत्यन रोड पर एक युवक की लाश झाड़ियों में पड़ी मिली। फिलहाल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी में जामो थाना क्षेत्र के रेसी बाजार के पास मोनू नाम का युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही मोनू ने दम तोड़ दिया। अमेठी में थाना अमेठी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित नरसिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फिलहाल नरसिंह को जेल भेज दिया है। अमेठी में थाना श्री रतनगंज पुलिस ने अब्दुल मोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब्दुल के पास से 65 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। जौनपुर में थाना रामपुर पुलिस ने लुटेरे और अपहरणकर्ता टीम के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की एंटीक मूर्तियां, 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रायबरेली में बछनावा थाना क्षेत्र के देवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर सावन किन्नर से जेवरात लूटने का आरोप है। रायबरेली में मुराईबाग कस्बे के इलाहाबाद मार्ग पर एक पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटर सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया। फरीदाबाद में मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के खानपुर लखी गांव में नईमा नाम की महिला पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, साथ ही उनके बेटे को भी जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी के थाना खीरी परिसर में रेप पीड़िता ने जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मेरठ में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक साजिद को गोली मार दी, जिससे साजिद की मौत हो गई। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।